अत्यंत आभारी हूँ आपने मुझे इस गरिमा में कार्यक्रम में इतनी महती भूमिका देकर के निमंत्रित किया। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हृदय से नमस्कार। मंच पर माननीय यशवंत जी, लक्ष्मणेन जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज का जो विषय है मैं उस पर तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें। अभी मेरा परिचय दिया तो भावेश जी ने सज्जन कह दिया, मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह की गालियां पड़ती हैं तो मुझे मालूम नहीं है कितना सज्जन हूं, और आजकल मैंने अपनी कुछ कुछ सज्जनता का त्याग भी कर दिया है, क्योंकि कई बार सज्जनता का त्याग भी करना पड़ता है। जब दुर्जन जो है वो ज्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कई बार सज्जनता का त्याग करना पड़ता है, लेकिन पत्रकार के रूप में तथ्यों के साथ, सत्य के साथ, और वही मैं करने की कोशिश करता हूं। आज ये जो कार्यक्रम है, देवऋषि नारद जी के सम्मान में और उनको याद करते हुए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मंच पर दो तस्वीरें लगी हैं, इन दो तस्वीरों का भाव समझना। देवऋषि नारद हैं जो आद्य पत्रकार हैं, हम मानते हैं कि पत्र सबसे पहले विश्व के, ब्रह्मांड के सबसे पहले पत्रकार देवऋषि नारद जी थे। तो एक तो ये कि पत्रकारिता कैसी हो ये हमको देवऋषि नारद जी से सीखना चाहिए, और पत्रकारिता किसके लिए हो इसका इशारा वो दूसरी तस्वीर करती है, भारत मां की तस्वीर। पत्रकारिता भारत मां के लिए हो, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी मां है, उस मां के चरणों में समर्पित करते हुए हो। इन दो तस्वीरों से पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए उसका एक बड़ा सीधा सरल संदेश हमें मिलता है। लेकिन सवाल यह कि चल क्या रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? अब क्योंकि आज का विषय ही है सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मीडिया की भूमिका, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करता हूं, ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, उसका उत्तर भी दूंगा। हम सबके मन में देवऋषि नारद की, मुझे नहीं मालूम आप में से बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे, मैं तो इतना ज्यादा ज्ञानी पुरुष नहीं हूं, अपने अनुभव से सीखा जो कुछ मैंने सीखा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, छोटा था तब बचपन में देवऋषि नारद की मेरे मन में क्या तस्वीर अंकित थी। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वही कुछ होगा। देवऋषि नारद की तस्वीर थी कि वो एक चुगली करने वाले व्यक्ति हैं, इधर की जाते हैं उधर लगाते हैं, उधर की जाते हैं इधर लगाते हैं। ये तस्वीर हमारे मन में कैसे अंकित हुई? ये तस्वीर हमारे मन में मीडिया नहीं, लेकिन मास मीडिया का जो एक हिस्सा है सिनेमा, सिनेमा से अंकित हुई। सिनेमा ने, आप पिछली तमाम फिल्में उठाकर देखिए जिसमें देवऋषि नारद को दिखाया गया है, कभी यह समझाने की कोशिश नहीं हुई कि देवऋषि नारद जो हैं वो सही जगह पर सही जानकारी सही समय पर दे देते थे और उससे बहुत कुछ अनिष्ट होने से बच जाता था, ये भूमिका नहीं दिखाई। लेकिन देवऋषि नारद को जिस तरह से डिपेक्ट किया गया, अभी भी देखिए, अगर मैं आपको कितना याद है मैं नहीं जानता, लेकिन देवऋषि नारद की अधिकतर भूमिकाओं में अगर आप देखेंगे तो किनको आप देखेंगे, एक कलाकार होते थे जिनका नाम था जीवन, और वो जीवन खलनायक थे फिल्मों में, तो जो खलनायक की भूमिका करते थे उन खलनायक की भूमिका करने वाले जीवन को देवऋषि नारद के रूप में दिखाया गया। ये जहर धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में भरा गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ,
एक महीने बाद पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। बड़ी क्लियर थॉट थी कि उसको इस्लामी मुल्कों का नेता बनना था, उसको इस्लाम को आगे बढ़ाना था, पाकिस्तान का काम यही था, और उसने उस दिशा में अपनी सारी ताकत 1947 से लेकर आज तक झोंक दी। यह अलग बात है कि आज वो एक भिखमंगा देश है, लेकिन आज भी हमें रोज नए घाव दे रहा है। कल तक कश्मीर में देता था, आज जम्मू में दे रहा है। बड़ा क्लियर कट माइंड था उसका, पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को क्या करना है और हमें क्या पढ़ाया गया, हमें क्या सिखाया गया। हमारे मन में एक सेकुलरवाद का कीड़ा डाला गया। आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो सेकुलरवाद जो आज भी हम देख रहे हैं 1947 से आज तक जिस सेकुलरवाद को हम देख रहे हैं, मेरी नजर में वो सेकुलरवाद नहीं है, वो स्यूडो सेकुलरवाद है। अभी मैं सब चीजों को उदाहरण के साथ भी आपके सामने रखूंगा कि क्यों इस समय स्यूडो। वैसे आप लोग सब जानते ही हैं, मुझे ज्यादा इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सीधा सीधा स्यूडो सेकुलरिज्म है। और इस स्यूडो सेकुलरिज्म में क्या हुआ, आजादी के बाद मुझे लगता है कि भारत, क्योंकि जब अंग्रेजों का गुलाम था उससे पहले मुगल थे, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता के जितने चिन्ह थे, जितने प्रतीक थे, उन सब पर आक्रमण हुआ, उन सब को जो है ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हमारे मन में एक ऐसा भाव डाला गया कि जैसे भारत तो सदियों से गुलाम देश ही रहा है, भारत तो कभी एक राष्ट्र देश रहा ही नहीं, भारत कभी एक सूत्र में था ही नहीं, भारत का अपना कोई कल्चर नहीं रहा, भारत की अपनी कोई संस्कृति, भारत की अपनी ऐसी कोई विरासत नहीं है जिस पर भारत गर्व कर सके। ये सब हमारे मन में डाला गया, जहन में डाला गया, क्योंकि हमको सेकुलर दिखना था। हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, बाबर महान था। पांचवी छठी क्लास से अकबर की वंशावली हमें पढ़ाई गई, हमें राम की वंशावली नहीं पढ़ाई गई। ये भारत की अस्मिता और भारत की जो सांस्कृतिक जो धरोहर थी, ये उसको धीरे धीरे समाप्त करने की, खत्म करने की एक कुटिल चाल थी। और उसके कारण पूरा मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें कभी भी हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, उसको लेकर कभी भी एक पॉजिटिव सोच कभी नहीं रही। मैं नहीं जानता, मैं पूर्व के पत्रकारों को तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार एक तरह से सोचते थे, बहुत अच्छे पत्रकार भी हुए, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता का शरण होता गया, क्योंकि पत्रकारिता पहले एक पहले मिशन था, मिशन के बाद वो एक व्यवसाय बना, और व्यवसाय के बाद अब वो सीधा सीधा, मैं तो उसको कहता हूं कि पहले मिशन था, फिर उसके बाद वो मिशन के बाद कमीशन हो गया, क्योंकि पत्रकारिता में कमीशन खोली भी चली, उसके भी बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि मैं इतने समय से 30 साल से पत्रकारिता में हूं तो इसलिए जानता हूं। लेकिन ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है, हम अब इसमें पत्रकारिता की, मीडिया की भूमिका क्योंकि विषय है, तो सवाल मेरा सिर्फ ये है कि हम मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमको लगता है कि मीडिया इसमें कोई भूमिका निभाएगा, जिस मीडिया को सेकुलरवाद के नाम पर मिशन से प्रोफेशन और प्रोफेशन से कमीशन तक ले जाया गया, क्या उसको हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर के कोई उसके मन में भाव होगा या जगने दिया गया होगा या उसको इस जिम्मेदारी का एहसास होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे समाज में वो नहीं था। मीडिया समाज से अलग थोड़ी है, पूरे समाज में जब सांस्कृतिक हमारी विरासत, सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है, उसको लेकर एक गर्व की अनुभूति नहीं थी, तो फिर मीडिया में कैसे होती, मीडिया भी तो उसी समाज का हिस्सा है। तो इसीलिए, और मास मीडिया, फिल्में भी उसी समाज का हिस्सा थी, और फिल्में सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं थी, बल्कि फिल्मों ने, जैसे मैंने नारद जी का जिक्र किया, फिल्मों ने इस तरह के कई नैरेटिव्स गढ़े। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं क्यों कहता हूं इस बात को, क्योंकि आज भी आप देखिए,
60 70 80 के दशक की फिल्में देखिए, उसमें भगवा वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति जो होगा वो चरित्रहीन ही होगा। अगर उसने भगवा पहना है, टीका लगाया, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा, बाकायदा IIMM के एक प्रोफेसर की रिसर्च है, उस रिसर्च में ये कहा गया कि फिल्मों ने इस तरह की एक पूरी भूमिका बनाई कि जो भगवा व्यक्ति पहने हुए है वो चरित्रहीन होगा, वो धोखेबाज होगा, वो समाज को पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इसी तरह से कोई फादर है, क्रिश्चियन है, तो वो सबको गले लगाने वाला होगा, सड़क से बच्चा उठाएगा, उसको बड़े प्यार से पालेगा, और जो मुस्लिम होगा वो कहेगा यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, मैं तो यार के लिए, दोस्त के लिए, मेरा ईमान जो है वो इंसानियत है। ये नैरेटिव गढ़े गए, बनिया दिखाएंगे तो बनिया जो है वो चोर होगा जो पैसे भी की चोरी करता होगा, ठाकुर दिखाएंगे तो बंदूक लेकर सारे ठाकुर जो है डाकू ही होंगे। ये सब हमारी जो मीडिया ने इस तरह का पूरा नैरेटिव करा और इसको हम ढोते गए, लगातार ढोते गए। अब ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पत्रकारिता में देखा समझा उस आधार पे मैं ये कह रहा हूं, मेरे लिए भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है उसका एक सबसे बड़ा जो एक द्योतक है वो है श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। अब ये 90 के दशक में जब ये शुरू हुआ, और मैं इस बारे में ये कह सकता हूं कि मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मैं उन पत्रकारों में से हूं जो 1992 में जब ढांचा ढहा उस दिन भी मैं अयोध्या में था, और 22 जनवरी 2024 को जब राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन में भी मैं अयोध्या में था, दोनों दिन मुझे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं। लेकिन इन दो 1990 जब गोलीकांड हुआ उस वक्त तो मैं छात्र था, लेकिन मेरे कई साथी कार सेवक बनकर गए थे तो वहां की बहुत सारी चीजें उस वक्त मुझे मालूम है। तो 90 के उस दौर से लेकर के 2024 तक के दौर में मैं पत्रकार के रूप में लगातार काम करता था, और इस दौरान ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था इस दौरान मीडिया की क्या भूमिका थी इसको शायद जितना मैंने करीब से देखा है उतना शायद ही मुझे लगता है कुछ पत्रकार होंगे जिन्होंने इतना करीब से देखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस वक्त जब 1992 में, मैं आपको इसकी मीडिया की भूमिका बताता हूं, मीडिया की भूमिका क्या रही। पहले आपको 2024 की घटना बता दूं, आपको मालूम है 2024 में क्या हुआ, जब राम जन्म जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो तमाम बड़े बड़े चैनल्स प्राण प्रतिष्ठा की अखंड कवरेज जिसको लेकर कई पत्रकारों को, कई क्रांतिकारी पत्रकारों को बड़ी तकलीफ भी हुई, उन्होंने कहा देखो देश का मीडिया क्या कर रहा है, अखंड कवरेज कर रहा है, जैसे अखंड रामायण पाठ होता है वैसे अखंड कवरेज करता है। तमाम मीडियाज ने अपने वहां पर सेट बना दिए थे, वो भी वैन थी, पत्रकारों की बड़ी फौज थी, 24 घंटे की वहां से रिपोर्टिंग हो रही थी, सब कुछ वहां से लाइव चल रहा था, और ये जो लाइव चल रहा था इसको लेकर बहुत सारे लोगों को लगा कि भारत का मीडिया को क्या हो गया। कई विदेशी पत्रकारों ने, कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी भारत को लेकर के इसको लेकर कहा कि भारत में मीडिया का किस तरह से सांप्रदायिकरण हो गया। लेकिन क्या मीडिया उस समय जो कुछ कर रहा था, मैं ये मानता हूं, मेरा अपना मानना है, जब मैंने देखा कई क्रांतिकारी पत्रकार कह रहे हैं ये मीडिया किस दिशा में जा रहा है, पूरा हिंदूवादी हो गया है, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि मीडिया अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, ये जो अखंड कवरेज जो दिखा रहा है वो मीडिया शायद अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कैसे पाप? पाप ऐसे कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर भगवान श्री राम जो हमारे कण कण में है, हमारी आत्मा है, भारत के प्राण है, उन भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के मंदिर की मांग करना इस देश में पत्रकारों में जो मांग करता था उसको कम्युनल सांप्रदायिक का तमगा दिया था।
1990 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता से, बेरहमी से कार सेवकों को चुन चुन कर मारा, चुन चुन कर मारा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आइडेंटिफाई करके मारा गया था। जिस दिन कार सेवकों ने, जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और जिस दिन राम कोठारी, शरद कोठारी जैसे कार सेवकों ने मुलायम सिंह यादव की इस चुनौती को पैरों तले कुचल दिया और जब भगवान लहराया उस वक्त, उसके बाद चुन चुन कर जो है, क्योंकि कुछ तस्वीरें थी, उस तस्वीरों में ऐसे चुन देखा गया, उन तस्वीरों को लेकर के, उन तस्वीरों में कौन लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके जो लोग घरों में थे उनको घरों से खींच कर मारा गया। कितने लोगों के बलिदान हुआ। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, जो लोग सरयू में बहा दिए गए, लेकिन मीडिया ने उस वक्त मुलायम सिंह की पीठ थपथपाई थी, क्योंकि मीडिया के हिसाब से वो जो कार सेवक थे वो कम्युनल थे, वो सांप्रदायिक थे, वो दंगाई थे, इसलिए जो है मुलायम सिंह की पीठ थपथपाई गई, समाजवादी पार्टी की पीठ थपथपाई गई। और 1992 में क्या हुआ, 92 में, जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ये सब कुछ चल रहा था, कार सेवकों ने जब ये सब किया, उस दिन मैं शुरू में मंच पर था, जिस मंच पर वो जो एक मंच बना था जहां पर सब लोग भाषण दे रहे थे और नीचे कार सेवक थे और आगे वो विवादित ढांचा था, तो मैं उस वक्त क्योंकि यंग पत्रकार था, मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा, मैं उस वक्त कैमरा भी हैंडल करता था, मेरे जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कैमरा भी है तो आप मंच पर रहना और मैं विवादित ढांचे के सामने रहूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं मंच पर था, मैं मंच से तस्वीरें ले रहा था क्योंकि मंच से एक विहंगम दृश्य निकल रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि मंच पर जैसे ही कार सेवक ढांचे के ऊपर चढ़े, उसके बाद जब सब कुछ गतिविधियां शुरू हुई तो जैसे ही उन्होंने ढांचे को गिराना शुरू किया, प्रहार करने शुरू किए, तब मुझे लगा कि अब मेरा मंच पर काम नहीं है, मुझे लगा मुझे सामने से जाकर तस्वीर लेनी चाहिए। तो मैं चुपचाप जो है, मैं भीड़ को चीरता हुआ, मुझे लगा कि मैं सामने ढांचे तक जाऊं, वहां से तस्वीर लूं। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मुझे लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो, मैंने यहां पर एक पत्रकार का बिल्ला लगा रखा था, तो कागज का होता, तो मैंने बताया मैं पत्रकार हूं, तो मुझे एक दो चार लोगों ने जाने दिया, और करते करते मैं सीधा ढांचे के सामने तक पहुंच गया। जब ढांचे के सामने मैं पहुंचा तो मैंने एक दो तस्वीरें खींची वहां पर, और जैसी मैंने वो तस्वीरें खींची, किसी ने मेरा कंधा पीछे से पकड़ा और कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पत्रकार हूं और इसीलिए तस्वीरें खींच रहा हूं, तो उस कार सेवक ने मुझे कहा अपना कैमरा अंदर रखो और चुपचाप यहां से निकल जाओ, क्योंकि अभी यहां पर सबके कैमरे जो हैं तोड़े गए हैं, कोई फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और आपने भी ऐसा किया तो फिर ठीक नहीं है। तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि वहां मैं अकेला पत्रकार हूं, मेरे ब्यूरो चीफ जो वहां थे वो भी वहां नहीं थे, कोई पत्रकार वहां नहीं था। मैंने आसपास देखा तो मुझे लगा हाँ कुछ तो वजह है, तो मैंने अपना सामान चुपचाप बैग में डाला, अपना बिल्ला उतारा और उसके बाद कार सेवकों की भीड़ में जाकर बैठ गया। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन ये उस दिन क्यों किया था कार सेवकों ने, इसलिए किया था क्योंकि उनको था 1990 का एक उनके मन में अनुभव था कि कैसे जो लोग तस्वीरों में आ गए, जिनकी तस्वीरें आ गई, उनके साथ क्या हश्र किया जा सकता है। तो उस वजह से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत तय किया होगा, लेकिन उसको किस तरह से दिखाया गया उसको अगले दिन अखबारों ने खबर करा कि कार सेवक जो लुम्पिन एलिमेंट्स थे उन्होंने मीडिया के साथ मारपीट की। अब एक और घटना बताता हूं, उस समय वॉइस ऑफ अमेरिका का एक रिपोर्टर था, वो उसके साथ भी, वो भी जब फोटो ले रहा था उसके साथ भी हाथापाई हुई, लोगों ने मना किया और उसको जो है थोड़ी चोट लग गई, उसको खून बहने लगा, और खून बहने लगा तो उसके बाद जैसे ही वो उसको खून बहने लगा तो कार सेवकों ने उस वॉइस ऑफ अमेरिका के पत्रकार को उठाया और उठाने के बाद जो है उसको सीधा वो हॉस्पिटल में ले गए इलाज के लिए। अब इस दौरान उस पत्रकार का, उस विदेशी पत्रकार का बटुआ कहीं गिर गया,
अब जब वो बटुआ गिरा तो मीडिया ने खबर दी, उसने कहा कि मेरा बटुआ गिर गया, तो मीडिया ने छापा कि कार सेवकों ने, वो जो विदेशी पत्रकार था, उसका बटुआ मार लिया। ये खबर छपी कि कार सेवकों ने पत्रकारों के लूटपाट की, उनका बटुआ मार दिया। जब ये खबर छपी उसके बाद वो विदेशी पत्रकार खुद सामने आया और उसने ये कहा कि मेरा बटुआ किसी ने नहीं मारा था, मेरा जब मुझे चोट लगी और मुझे कार से उठा के ले जा रहे थे तो मेरा पर्स कहीं गिर गया, बाद में मुझे एक कार सेवक आया और उसने मेरा पर्स दिया और कहा कि आपका ये पर्स गिर गया। तो वो कार सेवक जिन्होंने उस पत्रकार की इतनी चिंता करी कि उसका पर्स लौटाया, उन कार सेवकों को चोर बताया गया। और मैं उस घटना का भी गवाह हूं, जब मीडिया की तरफ से यह दिखाया गया, कुछ पत्रकार थे देशी विदेशी, उन्होंने क्या किया, जब वहां पर पत्रकारों की भीड़ हो गई और ये कहानी छपी है, मैंने लिखा था इसके ऊपर स्टोरी, ये 1992 में पांचजन्य के उस वक्त के एक स्पेशल अंक में छपी है। उस वक्त क्या हुआ कि जो पत्रकार थे उन्होंने देखा कार सेवकों की भीड़ है, तो कुछ लोग उनको पैकेट देने लगे, बिस्किट के पैकेट देने लगे। अब जहां भीड़ होती है, कार सेवक भूखे प्यासे निकले हैं तो उनको लगा चलो, तो उन्होंने बिस्किट के पैकेट लेने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने बिस्किट के पैकेट और हवा में उछाले और उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी और उसको दिखाया कि ये जितने कार सेवक आए हैं ये सब भूखे नंगे लोग हैं और इनको खाना भी नहीं मिलता, इसलिए इनको जो है कुछ कुछ पैसे देकर यहाँ लाए। ये भी खबर छपी थी। मैं आपको ये सब उदाहरण क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इस देश के मीडिया ने, जो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर था, उस समय भी मीडिया ने नेगेटिव रोल अदा किया था। और जब ढांचा गिरा, मुझे चैनल का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था उस दिन, जो है उस दिन अखंड कवरेज जो है देने वाला एक आज तक चैनल भी था, इंडिया टुडे ग्रुप, 1992 में जब ढांचा गिरा तो उस इंडिया टुडे ग्रुप ने एक स्पेशल एडिशन निकाला था, उस एडिशन का नाम था ये भूमि। और उस एडिशन के अंदर उन्होंने कहा तो ढांचा गिर गया, तो उन्होंने ये एक मुहिम चलाई थी कि अब ढांचा गिरने के बाद यहां पर क्या होना चाहिए, देश भर से सुझाव मांगे गए कि यहां पर अब ढांचा गिर गया क्या होना चाहिए। तो ढांचा गिर गया तो क्या होना चाहिए, उसमें लोग सुझाव दे रहे थे, कोई कह रहा था कि यहां पर जो है सामुदायिक भवन बनना चाहिए, कोई कह रहा था यहां पर जो है पेड़ लगा के पार्क बनाना चाहिए, कोई कह रहा था कि यहां पर एक जो है विद्यालय बनना चाहिए, इसी तरह के लोग दे रहे थे। और इंडिया टुडे ने उसको लेके स्पेशल अंक निकाला, एक सुझाव भी ऐसा नहीं था कि ये राम की जन्मभूमि है, यहां राम मंदिर ही बनना चाहिए, एक सुझाव ऐसा नहीं था, सारे सुझाव छापे गए कि वहां मंदिर ना बने बाकी सब कुछ बने। और एक निकृष्ट व्यक्ति ने ये सुझाव दिया था कि वहां सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। सोच सकते हैं आप हमारी आस्था पर कितने प्रहार हुए, कैसे कैसे प्रहार हुए, ये सब किया गया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो 22 जनवरी को जो मीडिया ने किया वो मीडिया अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। लेकिन मैं आज भी मानता हूं, मैं मीडिया की भूमिका को कोई सकारात्मक रूप से नहीं देखता। मुझे 30 साल हुए मीडिया में, लेकिन मैं मीडिया का मुखर आलोचक हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ करीब से देखा है। मैंने पत्रकारों को एक एक शराब की बोतल पर बिकते हुए देखा है, मैंने पत्रकारों को पद्मश्री के लिए बिकते हुए देखा है, मैंने पत्रकारों को देखा है कि जिनकी सैलरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो 5-6 लोगों की गाड़ी में घूमते हुए देखा है, मैंने पत्रकारों को देखा है कि जिनकी हैसियत नहीं है लेकिन दुबई में उनके अपार्टमेंट है। इसलिए मैं उनको कोई बहुत पॉजिटिव रूप में नहीं देखता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज लोगों का कुछ दबाव है जिसके कारण मीडिया को कुछ हद तक पॉजिटिव चीजें दिखानी पड़ती हैं, कुछ हद तक। मैं अभी आने से पहले, अब देखिए पिछले 2-3 दिन से क्या डिबेट चल रही है इस देश में,
योगी आदित्यनाथ का एक फैसला है कि भाई कांवड़ यात्रा के मार्ग में सबको अपना नाम लगाना होगा। अब इसको क्या बताया जा रहा है देश में? इसको बताया जा रहा है कि ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक फैसला है। इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और मीडिया कैसे नैरेटिव सेट करता है? अभी यहां आने से पहले मैं टीवी देख रहा था, जब तैयार हो रहा था तो एक पत्रकार, एक चैनल पर एबीपी चैनल था, उसमें एक पत्रकार ये कह रहा था कि ये जो फैसला है, इस फैसले से लोग खुश नहीं हैं। और कौन खुश नहीं है? उसने कहा देखिए विपक्ष तो ये कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के भी कई मंत्री सवाल उठा रहे हैं आपके लिए फैसला क्यों लिया गया। पता नहीं, मैंने भी बीजेपी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मेरे मित्र आशीष जी सामने बैठे हैं, उन्होंने भी बीजेपी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यूपी में योगी सरकार में क्या कोई मंत्री इस वक्त होगा ऐसा जो सरकार के इस फैसले से नाखुश होगा? ये फैसला सबके लिए है, नाम बताओ, सबके लिए। और साथ साथ उस रिपोर्टर ने यह भी कहा कि अभी सारे लोग, हम सब पत्रकार जो है, राजभर को और निषाद जी को ढूंढ रहे हैं, और उनका भी वर्जन यही होगा। सोचिए, वो पत्रकार पहले डिक्लेयर कर रहा है कि उनका भी वर्जन यही होगा कि वो इस फैसले के खिलाफ होंगे। थोड़ी देर बाद संजय निषाद की बाइट आ गई कि उनको इस फैसले से कोई एतराज नहीं। अब इस पत्रकार को यह नैरेटिव बनाने के लिए किसने कहा था कि संजय निषाद भी इसके खिलाफ होंगे, ओपी राजभर भी इसके खिलाफ होंगे? और ये वही पत्रकार हैं जिनकी मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था, जो एक शहीद परिवार से पूछ रहे थे कि राहुल गांधी आपके पास आए तो वो टी शर्ट पहनकर आते हैं, आपने ऐसा नेता कोई देखा है जो टी शर्ट पे, तो आपको कैसा लगा वो टी शर्ट पहनकर? ये एक पत्रकार शहीद के परिवार से सवाल कर रहा है। मैंने इसलिए कहा, मैं पत्रकारों का और इस चीज का बहुत घनघोर विरोधी हूं, और इसीलिए मैंने जो किताब लिखी जिसका अभी जिक्र भी किया गया, मोदी वर्सेस खान मार्केट गए, वो मेरा यही प्रयास है, क्योंकि इस देश में मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है, और वो नैरेटिव जो होता है वो बहुत खतरनाक नैरेटिव है। कैसे कैसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं? भारत भुखमरी के पैमाने पर पाकिस्तान से भी पीछे है। सोचिए, वो पाकिस्तान जहां आटे के लिए हत्या हो रही है, दंगे हो रहे हैं, भारत भुखमरी के पैमाने पर उस पाकिस्तान से पीछे है। भारत मीडिया की स्वतंत्रता के पैमाने पर अफगानिस्तान से भी पीछे है। वो अफगानिस्तान जहां पर गन लेकर जो है लोग घूमते हैं और कहते हैं बोल, ये जवाब दे, जहां पर टेलीविजन इंडस्ट्री में महिलाओं की एंट्री बैन है, जहां टीवी पर महिला एंकर नहीं हो सकती, होंगी तो उनको बुर्का पहन के, वो अफगानिस्तान पत्रकारिता के इंडेक्स में भारत से ऊपर है। ये कौन करता है इंडेक्स? ये नैरेटिव कौन बनाता है? ये विदेशों में बैठी कोई ताकत बनाती है और भारत में पत्रकार उसको कोट करते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम भारत में कम से कम बैठ करके ये देखो कि भारत मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में कहां खड़ा। एक विदेशों में बैठी संस्था जो किसके पैसे से चल रही है, किसके पैसे में पल रही है, आप नहीं जानते, लेकिन आप उसके नैरेटिव को हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो मैंने देखा ये जो नैरेटिव गढ़ने वाली संस्था है ना, ये जो बीडेम एक संस्था है जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स जारी करती है, ये जो बाकी जो डर, मैंने इनकी जब वेबसाइट पर गया ना तो मुझे इनकी वेबसाइट पर एक कॉमन चीज दिखी। इनकी वेबसाइट पर सबसे बड़ी कॉमन चीज ये है कि इनकी तमाम वेबसाइट पर भारत का नक्शा ऊपर से कटा हुआ है। कश्मीर को वो भारत का मानते ही नहीं। अब आप सोचिएगा इसकी तह में जाइए कि कौन लोग हैं। और दूसरा क्या, दूसरा इसमें आपको कॉमन चीज दिखेगी कि ये सब जो है कुछ लोगों के आधार पर नैरेटिव गढ़ते हैं। उन कुछ लोगों में वही लोग हैं जो भारत में लगातार एक फेक नैरेटिव सेट करते हैं।
तो यह समझना पड़ेगा, मीडिया की भूमिका, हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात जो कर रहे हैं उसमें मीडिया से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। कुछ दो चार छह पत्रकार ऐसे मिलेंगे, कुछ होगा जो जहां पर आपको दिख जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको मीडिया से कोई आपको नहीं करनी चाहिए उम्मीद, और खासकर टेलीविजन मीडिया से। अखबारों में अभी फिर भी चलिए आपको कुछ अच्छे लेख दिख जाएंगे, अच्छी चीजें दिख जाएंगी, लेकिन टेलीविजन मीडिया, वो भी नेशनल टेलीविजन मीडिया, जो सो कॉल्ड नेशनल टेलीविजन मीडिया, वो आपको ये सब चीजें नहीं दिखाएगा। वो इस पर डिबेट जरूर करेगा, लेकिन वो डिबेट में भी क्या नैरेटिव सेट हो रहा है आपको नहीं पता। कल मैंने जब ये योगी सरकार के फैसले पर जब मैं डिबेट कर रहा था, मैंने एक ही सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने पूछा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक फैसला है, जहां सबको नाम लगाने के लिए कहा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसके पीछे धार्मिक आस्था भी है भाई, जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनकी एक धार्मिक श्रद्धा है ना, उनको साफ सफाई का, उनको अपने धर्म के अनुसार, जो कांवड़ जमीन पर नहीं रखते कि भाई जमीन पर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, और इतनी लंबी यात्रा करते हैं कंधे को उठाकर, और कांवड़ जब रखते हैं तो ऊपर रखते हैं कि नीचे रखा तो अपवित्र हो जाएगा। तो इतना जो पवित्रता का ध्यान रख रहा है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो कहां खा रहा है, क्या चीज खरीद रहा है, वो कितनी पवित्र है नहीं पवित्र है? तो उसमें है ये एंगल, उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो फिर सवाल क्या आता है, फिर सवाल ये आता है, तो मैंने पूछा आपने आज तक जो है कभी ये जो हलाल सर्टिफाइड चीजें होती हैं, क्या कभी इसको गैर संवैधानिक किसी ने कहा? किसी ने इसको गैर संवैधानिक नहीं कहा, चाहे जितनी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहे, उनमें से किसी ने नहीं कहा। जबकि आप जानते हैं भारत में $100 बिलियन का व्यवसाय है ये, $100 बिलियन हलाल सर्टिफिकेट जो है, और इसका पैसा कहां जा रहा है? इसका पैसा जमायत उलमा हिंद के पास जा रहा है, और जमायत उलमा हिंद कहां खर्च करता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। घोषित तौर पर भारत में जितने आतंकवादी हमलों में, आतंकवादी आरोपों में जो लोग फंसते हैं उनका केस जमायत उलमा हिंद लड़ता है, और अगर उसके और कहीं जाता तो आप कल्पना कर सकते। तो ये सब, तो जो लोग बोलते नहीं और उसको मीडिया कितने सवाल उठाता है, आपने कितनी हलाल, ये जो हलाल, और दुनिया में इस वक्त जो है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ये हलाल सर्टिफिकेट वाली। और ठीक है आप नॉनवेज खाते हैं उसमें हलाल झटका समझ में आता है, अरे बच्चों के डायपर में कौन सा हलाल है भाई? बच्चों के डायपर भी बनाने वाली कंपनी को भी हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। एक हॉस्पिटल बैंगलोर में है उसको भी हलाल सर्टिफिकेट, वो पहला देश का हॉस्पिटल है जो पूरा हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। एक पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन गया है जो हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या हो रहा है? एक तरफ हमारे जो सांस्कृतिक और हमारे जो धार्मिक आस्था है उनको आप कम्युनल बताओगे और हलाल जैसी चीजों का आप विरोध नहीं करोगे, कि मीडिया भी इसमें इक्वली जो है पार्टनर है। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां नैरेटिव गढ़ती हैं तो मीडिया भी उसमें इक्वली पार्टनर है, और इस बात को देख के दुख होता है। कुछ पार्टियां, कुछ मीडिया समय के साथ रंग बदल लेते हैं, यह अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर ये नहीं करते। आप, मैंने अपनी किताब में इस बात का प्रमाण के साइड दिया है। आप सोचिए ये जो मीडिया है किस तरह के नैरेटिव सेट करता है, कि वो ये कहेगा नवरात्र के दिनों में वो कहेंगे कि आपको व्रत रखना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आपकी सेहत के लिए भारी। लेकिन रमजान में कहेंगे रमजान में व्रत रखना जो है वो बड़ा पाक काम है। होली पर हर साल क्यों होता है? होली पर हर साल ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे होली खेलकर हम अपराध कर रहे हैं। दिवाली पर हर साल ऐसा माहौल बनाया जाता है कि दिवाली खेलकर हम अपराध कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में हो रही है, और ये नैरेटिव सेट करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरा ये मानना है, ये जो हम जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं वो आप जैसे लोगों के कंधों पर है, आप जैसे लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मीडिया से कोई अपेक्षा मत कीजिए,
कुछ अगर थोड़ा थोड़ा मीडिया अपनी भूमिका निभा देगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो इस काम में आपकी मदद करेगा। एक चीज छोटे से अंत में एक बात और एक उदाहरण दे दूं, और इसमें इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल फेक न्यूज का बहुत जमाना है, बहुत फेक न्यूज फैलाई जाती है। बीबीसी ने एक फेक न्यूज पर एक रिपोर्ट करी, सर्वे किया, और उस सर्वे के आधार पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि दुनिया भर में जो फेक न्यूज फैलाने वाले हैं उनमें मैक्सिमम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। सोचिए कैसी रिपोर्ट हो सकती है कि फेक न्यूज फैलाने वाले ज्यादातर लोग राष्ट्रवादी हैं। ये क्या है? ये सीधा सीधा है कि जो देश से प्यार करता है उसके मन में हीन भावना डालो कि भैया देश से प्यार करने वाले राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो तो फेक न्यूज फैलाने वाले। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है, लेकिन जब बीबीसी की इस खबर का आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बीबीसी ने ये जो पूरी खबर करी है ये दुनिया भर में 200 लोगों के बाद से बात करके 200 लोगों से दुनिया भर का सर्वे 200 लोगों से बात करके तैयार किया है, और भारत में 40 लोगों से बात की। तो 140 करोड़ के देश में 40 लोगों से बात करेंगे, उसमें भी आप चुन लेंगे कि हमारा फलाना ढिमकाना अल्फा खाना होंगी, और उसके बाद जो है वो एक क्लिप कटुआ बोलते हैं उसको, एक वो होगा, इस तरह से 40 लोग जुटा लिए और उसके बाद आपने एक बना दिया कि राष्ट्रवादी लोग फेक न्यूज फैलाते। इसलिए मीडिया से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मीडिया से बहुत उम्मीद मत कीजिए। मीडिया की भूमिका नकारात्मक है। हाँ, आप लोग मीडिया पे जरूर दबाव बना सकते हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूं दबाव बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मीडिया पूरा टीआरपी के खेल में है, और इस मीडिया की चाबी आपके हाथ में है, और आपके हाथ में चाबी वो रिमोट कंट्रोल है। आज आपके पास एक नहीं 100 चैनल है देखने के लिए, आप उसी चैनल को क्यों देख रहे हैं जो आपके हिंदुत्व पर, आपके धार्मिक आस्थाओं पर, आपकी सांस्कृतिक आस्थाओं पर प्रहार कर रहा है? आपके पास रिमोट कंट्रोल है ना, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि मीडिया नहीं तो इसी तरह से चलेगा। तो मीडिया पर दबाव बनाइए, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो काम है वो आप जैसे लोगों के जिम्मे है, उसको लगातार आगे बढ़ाइए, तभी देश जो है सुरक्षित होगा, तभी हम कह सकेंगे कि भारत जो गौरवशाली देश जिसको हम चाहते हैं, भारत माता के लिए जैसा हम देश निर्माण करना चाहते हैं वैसा हम निर्माण कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार।